बीमारियों की छुट्टी के बाद पहली बार कॉलेज जा रही हूँ। गुड लक। थैंक यू। वो शादाबाजी को समझा दिया था ना नया के बारे में सारी चीज़ें? हाँ समझा तो दिया था वैसे, लेकिन अगर उन्हें फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी ना तो अम्मा हैं घर पे, वो उनसे पूछ लेंगी। हाँ यार, मैं चाह नहीं रहा इस बारी कोई गड़बड़ हो। सब हाथ तोड़ के पीछे पड़े हैं उनके। हल्की सी भी ऊंच नीच होगी ना फौरन निकलवा देंगे। मुझे अभी अभी याद आया कि इनाया ने ना कल दलिया खाया था और उसको वॉमिटिंग हो गई थी। मैं ना उन्हें बता देती हूँ कि इनाया को दलिया नहीं दीजिएगा। सर बता देना उनको, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। क्या? आओ बैठो यहाँ पर। नहीं, मैं दोबारा पढ़ना चाह रहा हूँ यार। मम्मा तो शायद ही मेरी बात सुने, तुम्हारी सुन लेंगे। तुम एक दफा बात कर लो उनसे। आखिर इतनी छोटी सी बात है, तुम मुझे इतना सीरियसली बता रहे थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ मैं, और अभी भी करूँगी। मुझे यकीन है कि बड़ी अम्मी को ना इस बात से कोई इतराफ़ नहीं होगा। एतराज है उन्हें यार। देखो मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ यार। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर जाके पढ़ लूँ। बाहर? हाँ आखिर जब तुम यहाँ पे पढ़ते, तुम पढ़ाई से भागते हो, तो तुम बाहर जाके कैसे पढ़े हुए? यार, पढ़ लो। हुए हैं तो कोई बड़े मुश्किल की बात थोड़ी है यार। मैंने बहुत कोशिश की है नहीं कि मैं किसी तरीके से बिजनेस को संभाल लूँ, देख लूँ, लेकिन जब तक मुझे जाहिर नॉलेज नहीं होगी मैं किस तरह करूँगा ये सारी चीज़ें। अपने दोस्तों को देखता हूँ, देख रहा हूँ कि वो पढ़ाई में किस तरह एक्सेल कर रहे हैं, उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बाहर चला जाऊँ, पढ़ लूँ, ताकि दोस्तों के साथ बैठ के कम से कम शर्मिंदा तो ना हो। आखिर तुम देखो देखो, मैं तुम्हारी तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे ये नाया को, बड़ी अम्मी को, हम तीनों को यहाँ पे छोड़ के बाहर चले जाओगे दूर पढ़ने के लिए? घर के सारे बड़े बाहर जाते हैं ना, ऐसे हैं ना घर जहाँ पे उनके अम्मा अब्बा या जो भी लोग हैं बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, तो फैमिलीज जो है वो सेक्रीफाइस करती है इस चीज़ पे यार। हम भी कर सकते हैं, सोचो ना यार, मेरे लिए ये अच्छा है दिन। और जो फोन का है, खैर गाड़ी में जा रहा हूँ। छवि भूल गया।